सभी को जय जिनेंद्र। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक विशेष प्रतियोगिता हो रही है जिसका नाम है वतन की उड़ान, जो 11 अगस्त से प्रारंभ हुई है। कई बहुत सारे लोगों ने इस प्रतियोगिता में भाग ले लिया है, पर जिन्होंने नहीं लिया है, जिनको तकलीफ़ आ रही है या कुछ दिक्कत हो रही है, उसके लिए हम ये विशेष वीडियो लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको बता सके कि इस प्रतियोगिता में आप कैसे भाग ले सकते हैं। सबसे पहली बात कि ये विशेष प्रतियोगिता है और एक पुस्तक है सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज, जिस पे आधारित ये ओपन बुक प्रतियोगिता है। इसमें आपको जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सोने की चिड़िया लुटेरे अंग्रेज पुस्तक से आपको पढ़ने हैं। ये पुस्तक आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या वेबसाइट से आप पढ़ भी सकते हैं। क्या है इस पुस्तक में खास, चलिए देखते हैं। इस पुस्तक के बारे में आचार्य श्री कहते हैं कि हर भारतीय को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो इस पुस्तक का कंटेंट देखते हैं हम कि क्या है इसमें टाइटल्स। सबसे पहले इसमें कुल 10 अध्याय हैं, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अंग्रेजों से पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति, ये भारत सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, इसके बारे में बताया गया है। फिर लूटमार का पहला दौर, फिर लूटमार का दूसरा दौर, लूटमार का दूसरा दौर क्रमश, लूटमार का तीसरा दौर, फिर इसके बाद चैप्टर है कृषि और कृषक, फिर कृषि और कृषक का सेकेंड पार्ट, फिर करोड़ों की मौत और अंग्रेजों की बहानेबाजियाँ, कुछ और प्रेषण और अंग्रेजी शासन के आर्थिक परिणाम। ये कुल चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स को हमें पढ़ करके इस प्रतियोगिता में भाग लेना है। और मज़ेदार बात यह है कि आपको प्रश्न दिए गए हैं, आप प्रश्न को देख करके चैप्टर से भाग ले सकते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले वापस से। कि इस प्रतियोगिता में पंजीकरण कैसे कराएं? अगर आपने पंजीकरण करा लिया है तो आपको पंजीकरण दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीकरण कराने से क्या होता है कि आप व्हाट्सएप समूह में जुड़ जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल क्रोम खोलते हैं। गूगल क्रोम जब खोलेंगे अपन और यहाँ पे vidyasagar.guru वेबसाइट लिखते हैं, vidyasagar.guru। जैसे ही गूगल क्रोम में खोलेंगे अपन, यहाँ पे देखिए हर पेज पे ऊपर वतन की उड़ान प्रतियोगिता लिखा है और यहाँ पे लिखा है, आप कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, गूगल फॉर्म लिंक जिस पर आपको उत्तर देने हैं, उत्तर प्राप्त सूची, पंजीकरण करें अगर नहीं कराया है तो आप पंजीकरण करा सकते हैं इस लिंक के माध्यम से। पुस्तक को आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं और या फिर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी आपको दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रतियोगिता में उत्तर कहाँ पे देने हैं? देखिए उत्तर हमेशा गूगल फॉर्म पर देने होते हैं। गूगल फॉर्म एक टेक्नोलॉजी है जो हर स्कूल में, कॉलेज में कोरोना के टाइम पे भी यूज़ किया था, आप सबको पता होगा। गूगल फॉर्म में आप सारे उत्तर भरेंगे और उत्तर हमारे पास आ जाते हैं। चलिए, जब आपने वेबसाइट खोली थी ये vidyasagar.guru, तो देखिए यहाँ पे लिखा है गूगल फॉर्म लिंक जिस पर उत्तर देने हैं, आप इस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऐसा गूगल फॉर्म खुल जाएगा। अब इस गूगल फॉर्म पे ये शुरू में इंट्रोडक्शन दिया है कुछ, आपको ये बताया गया है कि भाई परिणाम 5 सितंबर को आएगा, ठीक है, शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने वालों को क्या क्या पुरस्कार दिए जाएंगे, ऐसे आपको चीज़ें बताई गई, तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद लिखा है कि आप पुस्तक यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, प्रश्न पत्र भी डाउनलोड कर सकते हो। ये इसलिए दिया गया है कि जब आप गूगल फॉर्म करेंगे तो हो सकता है आपको बार बार पहले 1 से 25 प्रश्न पढ़ने पड़े, फिर 50 पढ़ने पड़े, तो पहले सारे प्रश्नों को आप खोज लीजिए और एक साथ उत्तर दे सके। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थान में जो भरना है उसी के उत्तर लिखें, पूरा वाक्य ना लिखें। कहने का मतलब है एक दो शब्द में उत्तर देना है। अब कई लोगों ने मुझे बोला एक दो शब्द में, लेकिन उत्तर 3 शब्द का है, इसका मतलब अन्यथा ना लें, पूरा वाक्य नहीं लिखना, जितना उपयोगी हो उतना हमें लिखना है। ठीक है, सही जानकारी दें जिसे सर्टिफिकेट पर उपयोग किया जा सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर्टिफिकेट आपको अभी मिल जाएगा, जब परीक्षा का परिणाम आएगा तब सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया सर्टिफिकेट भेज दीजिए, अरे अभी प्रतियोगिता चल रही है, किसके कितने अंक आते हैं उसके बाद, परिणाम घोषित होने के बाद, पुरस्कार समारोह के बाद आप लोगों को ये दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे नियम है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है आप हिंदी अंग्रेजी किसी में भी लिख सकते हो। जैसे कमल लिखना है तो KAML कमल लिख दो, कमल लिख दो, कैसी भी लिख दो, पर शुद्ध लिखो, कमल को कमला मत करो या कमली मत करो, हमें ऐसा समझना पड़ेगा। अर्थ का अनर्थ नहीं करना है, पर अर्थ समझ में आना चाहिए। जब आप लिखो तो एक बार आप पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या लिखा गया है।
ठीक है, मैंने यहाँ पे टिक भी कराया है, जी समझ आ गया है, उत्तर देते सब ऊपर लिखी जानकारी पर ध्यान रखूंगा, तो इसको इसलिए टिक लगाया है कि आप लोगों ने पढ़ ली है जानकारी। चलिए, इसके बाद में आपका निवास भर देंगे, नाम भर देंगे, महिला पुरुष भर देंगे, अपनी उम्र भर देंगे, और इसके बाद में आप देखोगे कि अगला प्रश्न आ जाएगा। एक ने बोला कि मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ लेकिन मैंने गलती से नागालैंड भर दिया। आपने गलती से नागालैंड भर दिया तो वो नागालैंड ही जाएगा, अपने आप कंप्यूटर कभी भी उसको ठीक नहीं करेगा, इसलिए आप जांच लीजिए कि आप क्या भर रहे हैं। चलिए, ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, अब लिखा है भरते वक्त सिर्फ 10 अंक का नंबर लें, इसका मतलब आपको 10 अंक ही लिखने हैं। अगर मेरा नंबर 9694078989 जो भी नंबर है तो 10 डिजिट का जो नंबर है वही उपयोग लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर में भी ऐसे ही करना है। इसके बाद ये नेक्स्ट का बटन है, ये नेक्स्ट दबाएंगे अपन तो आगे जाएगा। अभी मैं नेक्स्ट दबाऊंगा ना तो देखिए बोल रहा है दिस इज़ अ रिक्वायर्ड फील्ड, आपने ये भरा नहीं है। ये इसलिए है कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन भरना भूल जाए तो ये कंप्यूटर आपको याद दिला देगा कि ये गलती है। तो कभी ऐसा हो ना कि नेक्स्ट के बाद आगे नहीं जा पा रहे, इसका मतलब ये है कि आपको ये भरना था। चलिए, अब अपन आगे चलते हैं वापस से। अब बात आती है प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करें। अगला प्रश्न है प्रतियोगिता के उत्तर कहाँ पे देंगे, ये हो गया। क्या पहले प्रश्न देख ले फिर एक साथ उत्तर दे सकते हैं? जी बिल्कुल। तो इस प्रश्न का उत्तर यही है कि जब अपन ने गूगल फॉर्म खोला था तो यहाँ पर एक चीज बताई थी कि आप डाउनलोड कर सकते, तो यहाँ पे है पुस्तक डाउनलोड, प्रश्न पत्र डाउनलोड, इसको खोल लीजिए। इसको खोलने से क्या होगा, ये प्रश्न पत्र का ये डाउनलोड का बटन आएगा और इसको डाउनलोड दिस फाइल से क्लिक कर लीजिए। जैसे आप ये डाउनलोड करेंगे डाउनलोड होगी फाइल, देखिए डाउनलोड हो गई और मैं डाउनलोड में जाकर के ये फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अब जब इस फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी वही नियम दिए हुए हैं और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है प्रश्न एक, ये आपको प्रस्तावना में से पढ़ना है, प्रश्न दो परिचय में से पढ़ना है, इस तरीके से दिए। कभी कभी हो सकता है कि वो प्रश्न का उत्तर उस चैप्टर में ना हो तो उसके आगे पीछे वाले चैप्टर में भी देख लेना आप, ये आपको एक संकेत दिए गए कि आप कहाँ ढूंढो, तो इस तरीके से आपको उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके कुल 100 प्रश्न है और बड़े अद्भुत प्रश्न है। अगर आपने ये प्रश्न भी पढ़ लिया और इसका उत्तर ढूंढ लिया तो आपकी अद्भुत लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया प्रश्न डाउनलोड कहाँ से करें। अब अगली बात है कि आप पहले प्रश्न देख लें, ये हो गया है। कैसे पता चलेगा कि हमारा उत्तर सबमिट हो गया, ये बहुत लोग पूछ रहे हैं। देखिए जब आप खाना खाते तो आपको पता चल जाता है आपने खाना खा लिया, पानी पीते हैं पता चलता है। ऐसे ही जब गूगल फॉर्म भरते हैं ना तो लास्ट में सबमिट का बटन आता है और सबमिट के बाद में एक ऐसी फोटो आती है कि आपको उत्तर प्राप्त हो गए, ठीक है। अब जब ये लिखा हुआ आ गया है तो इसका मतलब आपका उत्तर सबमिट हो गया है, लेकिन हमने क्या उत्तर शीट दी है। अब लोगों को खुलनी नहीं आती तो लोग व्हाट्सएप कर देते हैं हमारा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, हमने तो भर दिया है। तो ऐसा ना करें, इसका मतलब है आपका उत्तर आ गया है, आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वतन की उड़ान और आचार्य श्री विद्यासागर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, तो आपको फॉलो करना चाहिए, आपको कहा गया है तो आप उस काम को करेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। ये हो गया। अब ये बात आती है कि उत्तर सबमिट सूची कहाँ देखेंगे, तो वही लिंक पे, जब आप विद्यासागर.गुरु वेबसाइट पे गए थे ना, देखिए तो यहाँ पर जब अपन विद्यासागर.गुरु वेबसाइट पे खोला वतन की उड़ान प्रतियोगिता को, तो यहाँ देखो ये दिख रहा है उत्तर प्राप्त सूची, इसको अपन खोल लेंगे। जैसे इसको अपन खोलेंगे तो ये लिस्ट बड़ी हो जाएगी। अब कईयों को क्या मोबाइल में क्या होता है, ये शुरू के 70-80 नाम ही दिखाता है, तो 70-80 नाम दिखाने के चक्कर में ये पूरा आप देख नहीं पाते। तो आप जब स्क्रॉल करेंगे या तो गूगल शीट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ऐसे करके आप नीचे देख सकते हैं पूरे, तो आपको ये सारे दिखेंगे लोगों ने कहाँ कहाँ से भाग लिया है और क्या क्या हुआ है। अब जैसे मैं अगर नीचे जाता हूँ तो आपको पता चलेगा, अच्छा अभी दो हजार से ज्यादा लोगों ने, लगभग 2800 लोगों ने भाग ले लिया इस प्रतियोगिता में, ठीक है। इस तरीके से आप सबके नाम देख सकते हैं और ये कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने प्रतियोगिता में भाग ले लिया, जब आपने प्रतियोगिता में भाग ले लिया अब क्या करें, देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपने पुस्तक पढ़ी, आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया कि आचार्य जी क्यों बोलते हैं इस प्रतियोगिता को के बारे में कि हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। अब जब आपको पता है तो दो चीज़ें हैं, जैसे आपने प्रतियोगिता में भाग लिया आपको थोड़ी दिक्कत हुई, आपको समझ में आ गया,
अब आप 10 लोगों को इस प्रतियोगिता के बारे में और बता दीजिए। अगर आपने ये कर दिया तो कमाल हो जाएगा। दूसरा, हमने आपको कहा है कि आप एक वीडियो बनाइए कि मैंने प्रतियोगिता में भाग लिया या मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। देखिए, प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद तो उस वीडियो की वैल्यू नहीं है जो अभी है, क्योंकि आपके निमित्त से हो सकता है 10 लोग और पढ़ लें। इसलिए वीडियो अभी बनाइए और उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दीजिए और टैग कर दीजिए। यूट्यूब पे सीख लीजिए टैग करना, या किसी आस पड़ोस के बच्चों से, सबको टैग करना आता है, तो वतन की उड़ान को टैग कर दीजिए और इस माध्यम से आप सभी लोगों को ये प्रतियोगिता के बारे में बता पाएंगे। अच्छा, और अंत में हमने आपको एक विशेष बात कही है जिसके बारे में हम आपको पुनः बता दें कि जब आपने वो डाउनलोड किया था प्रश्न पेपर, जब अपन ने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, जैसे कहाँ गया पेपर, डाउनलोड्स में, जब प्रश्न पेपर डाउनलोड किया तो लास्ट में आपको एक चीज बताई गई है, ये अद्भुत है। जब 100 के बाद अपन आगे आएंगे ना, देखिए एक सेकंड, ऑनलाइन संगोष्ठी। अब हम चाहते हैं कि आप एक अद्भुत प्रस्तुति बनाए अपने मित्रों के साथ मिलकर, अपने परिवार मित्रों के साथ में, और इस चैप्टर के किसी विशेष पार्ट को एक्ट कर सकते हैं, एक्टिंग करके, नाटक करके छोटा सा, या फिर आपने जो ये सीखा वर्तमान में ऐसी क्या स्थिति है जो आपको लगती है कि इससे हमारे देश को ये सीखना चाहिए आने वाले समय के लिए, हम कैसे वापस लौट सकते हैं। आचार्य श्री कहते हैं ना, रुको रुको अब लौट चलो इंडिया से भारत की ओर, तो हम कैसे लौटे, क्या क्या सरकारों को ऐसा कुछ करना चाहिए, या आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, तो आप अपना एक पेपर प्रेजेंट कीजिए संगोष्ठी। आप मान लीजिए IAS ऑफिसर हैं, आपको लगता है कि मुझे ये मौका है, तो ऐसी संगोष्ठी हम इनवाइट करते हैं कि आप ऐसा एक वीडियो बनाएं। तो प्रतियोगिता के बाद हम आपको लिंक दे देंगे अपलोड करने का, और सभी लोग, जितने लोग लिंक बनाएंगे, उसको हम इंस्टाग्राम पे वतन की उड़ान, जहाँ पर आप लोग फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे सब लोगों को दिखाएंगे। आप अगर विद्यालय में पढ़ते हैं और आप चाहें तो पूरी कक्षा के हिसाब से सब लोग मिलकर के भी प्रस्तुति दे सकते हैं, 4-5 लोग अलग से मिलकर ही प्रस्तुति दे सकते हैं। इस बहाने आपने जो पढ़ा, इस पर एक नई इनोवेशन आ जाएगा। 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में से एक एक चैप्टर की समरी बना सकते हो, आप एज अ पेपर पढ़ सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। यूट्यूब पर देखो कितने अच्छे अच्छे वीडियो बनते हैं ना, तो ऐसा एक वीडियो बनाने का प्रयास करें हम, और इससे आपकी लर्निंग होगी, आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना है और ये करना है। ये वीडियो मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को सब लोगों को भेजें और सिखा दें कि प्रतियोगिता में कैसे भाग लेना है। आपके पास पुस्तक है, आपने प्रतियोगिता में भाग ले लिया, तो दो चीज़ें, या तो आप स्वयं किसी को दे दो कि भैया इस बुक को पढ़ लो और मुझे वापस लौटा देना, और या फिर आपको पता है कि मेरे पड़ोसी के पास पुस्तक है तो उससे मांग लो कि भाई पुस्तक मुझे दे दो, मैं भी प्रतियोगिता में भाग ले लेता हूँ। तो ये तरीके हैं, इस तरीके से अपन एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। देखिए, केवल फॉरवर्ड, मैंने लोगों से कहा आपने बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दिया है। तो व्हाट्सएप ग्रुप पर फॉरवर्ड करने से कुछ नहीं होगा, हमें फ़ोन करना पड़ेगा कि इस पुस्तक में भाग लो, तब काम होगा। लोगों को बताना पड़ेगा इतनी अच्छी पुस्तक है, तब काम होगा। तो संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी को नमोस्तु बोलते हुए मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि इस प्रतियोगिता में आप लोग जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत आभार। इसको सफल बनाने में आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, और ये अद्भुत सफल हो जाएगा अगर आप लोग कल 15 अगस्त को, और एक विशेष बात और, इस प्रतियोगिता को एक दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है, जैसे मेरे पास आदेश आए हैं, सूचना आई है, ये प्रतियोगिता अब 16 अगस्त तक चालू रहेगी, और इस प्रतियोगिता में आप अधिक से अधिक लोगों को जानकारी दे सकते हैं। हमारे पास 2 दिन शेष और है, 15 और 16, अधिक से अधिक लोगों को बताएं और हमारे साथ सहयोग दे करके इस प्रतियोगिता